नमस्कार, मैं वर्षा अय्यर। मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मैग्नेट थेरेपी, इसे मैं सबको हील करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना है ये सब काम करने के लिए। मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, मैक्सिमम 99% लोगों ने इस थेरेपी को सराहा है, क्योंकि इस थेरेपी में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं देते, एकदम नेचुरल है। और हम इस तरह से पेशेंट से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, नेचर के नज़दीक जाने के लिए, क्योंकि योगा थेरेपिस्ट होने के कारण मैं नेचर के नज़दीक हूँ। मैं नेचर के साथ अपने आप को फील करती हूँ। और आजकल जो चल रहा है काल कोरोना का, इस कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि आप अपने परिजनों से नज़दीक आप आ गए हैं, और आपको नेचर के नज़दीक भी आप अपने आप ही आ गए हैं। नेचर एकदम साफ हो गया है, पोल्यूशन कम हो गया है, बीमारियां कम हो गई। कोरोना है लेकिन बीमारियां कम हो गई। आप देखिए, नेचर ने आपको कितना सपोर्ट किया। नेचर आपके साथ, अगर आप नेचर के साथ चलते हैं तो नेचर आपके साथ कितना अच्छा करता है। आप पोल्यूशन से आप बच गए, गाड़ियां कम चल रही थी, ग्रीनरी इतनी बढ़ गई कि पूरे पेड़ हरे भरे दिखने लगे थे, आसमान एकदम साफ नीला, अगर कोई भी छोटा सा बादल है तो वो क्लियर आपको दिखाई दे रहा था। आपने महसूस किया होगा, या किसी ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन चांदनी रात इतनी खूबसूरत लग रही थी इस कोरोना काल में, क्योंकि मैं जानवरों की सेवा करती हूँ तो मुझे पता है। लॉकडाउन में भी मैं रात को जानवरों को खाना खिलाने के लिए बाहर निकलती थी, और उस समय अचानक से मेरी नज़र आसमान की तरफ गई, और आसमान की तरफ मैंने देखा कि चांदनी रात इतनी खूबसूरत मैंने मुंबई में कभी नहीं देखी थी। बहुत ही खूबसूरत चांदनी रात देखी मैंने। तो आपने क्या क्या महसूस किया ये अलग बात है, लेकिन महसूस करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि नेचर आपके नज़दीक, ईश्वर आपके नज़दीक आ गया था, बस आपको देखना था। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी भी अपने नेचर के साथ रह सकते हैं। पोल्यूशन कम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही आपका सर्वस्व है, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आपके आसपास के लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, और जब आप बीमार रहते हैं तो आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये तो हमेशा का है। तो हमेशा आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, योग कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा टाइम दीजिए। आपको कोई भी बीमारी ना हो इसका ध्यान दीजिए। सारी बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती हैं। मेरे लिए नेचर बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि नेचर में सारी चीज़ें इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत होती हैं। जब आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं तो नेचर आपको छू कर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इतने पॉजिटिव हो कि वो नेचर के नज़दीक चले जाए। पॉजिटिविटी से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोरोना काल में जो भी हुआ उसमें मैं हमेशा पॉजिटिव थी।
कोरोना काल की वजह से सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमें नेचर ने एक समय दिया अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को देखा, अपने आप को समझा और अपना ध्यान रखा। हमेशा नेगेटिव सोचने से आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचने से आप पॉजिटिव हो जाते हो। पॉजिटिविटी आपके हर जगह को पॉजिटिव कर देती है। आप जहां पर भी पहुंचो, अगर आप गार्डन में पहुंचे और आपने किसी इंसान को देखा जो दुखी है और उसके पास जाकर आपने बोला कि आपका नाम क्या है, आपने हंसते हंसते बोला और वो इमीडिएट हंसना शुरू कर दिया, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप पॉजिटिव थे तो वो सामने वाला इंसान भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने से और बढ़ती है, और पॉजिटिविटी इस नेचर में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप जितना उसको ग्रास्प कर सको उतना करिए। मैं एक बात बताना चाहती हूं, शेयर करना चाहती हूं। आपने उगता सूरज देखा है? आपने देखा होगा, पहले अंधेरा होता है, रात होती है, हम सोते हैं, और जब उठते हैं तो उगता हुआ सूरज आपका स्वागत करता है और सूरज रोशनी देता है और आपको वो सब कुछ देता है, एनर्जी देता है। सूरज की एनर्जी से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपने सुना होगा विटामिन डी कमी है, लेकिन सूरज की किरणों को अगर आपने अब्सॉर्ब कर लिया तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। आप अगर सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं तो आपका दिन बड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिन बड़ा हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। उगता हुआ सूरज आपको ये सिखाता है कि सबको देना है। आपको पता है मिल्क पीने से कैल्शियम मिलता है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि गाय का दूध पीने से आपको कैल्शियम मिलेगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन गाय कैसे स्ट्रांग होती है? गाय आप देखते हैं कि गाय कितनी स्ट्रांग होती है। आपको पता है गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, पत्ते खाती है, और जो भी सब्जियां आप बचाते हैं, जो तोड़ कर आप पीछे का डंठल फेंक देते हैं, वो खाती है। और गाय इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है, उनके दूध से कैल्शियम निकलता है, और ये सब वो खाती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नेचर के नज़दीक जा सकते हैं? अगर आपको कैल्शियम की कमी महसूस हो, विटामिन डी की कमी महसूस हो, तो आपको थोड़े पत्ते खाने चाहिए। थोड़े पत्ते मतलब आपको पता होगा रात रानी, आपको पता होगा रात रानी रात में ही खिलती है, और उसके ऑरेंज करल की डंडिया होती है फूल की, और वो डंडिया मतलब वो फूल नीचे गिर जाता है। उसके पत्ते अगर आप खाते हैं या उसके पत्ते का जूस अगर आप पीते हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपको अगर आर्थराइटिस है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेचर आपको इतना कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन क्या हम रातरानी का सिर्फ सुगंध नहीं लेते? हम रातरानी के पत्ते को इस्तेमाल नहीं करते? हमें लगता है कि शायद वो जहर हो या कुछ भी, लेकिन हम उस पत्ते तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं। थोड़ी सी जानकारी लीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। नेचर ने इतना कुछ बिछा कर रखा है आपके लिए, आपको सिर्फ उठाना है और आपको स्वस्थ रहना है।